Hello everyone, and once again welcome to BioLine. Today's video is all about the early discoveries, and we can say the early experiments that were conducted to find out the chemical nature of the genetic materials. ओके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जितने भी डिस्कवरीज की गई हैं उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे ओके एंड वी विल ऑल्सो सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव टू स्टडी इन अवर सीबीएसई सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई हैव गिवन अ टाइम लाइन ऑफ डिस्कवरीज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल Okay, starting from 1830 to 1960, what were the various discoveries that were made? How the genetic material was found out? ये कैसे पता चला कि genetic material DNA है, RNA है, protein है, कैसे है, कहाँ है रहता है genetic material? Whether it is present inside the cell or whether it is present within the cell, inside the nucleus or it is present outside the nucleus? ये सभी discoveries इस timeline पे आपको देखने को मिलेंगी. ओके इन सभी टाइमलाइंस के इस पूरी टाइमलाइन में वी हैव टू स्टडी सम इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स ओके सो वन बाय वन वी विल स्टार्ट बट हम डिटेल में केवल उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दी हुई है ओके सो लेट अस स्टार्ट सी अराउंड फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू रिमेंबर 1866 ओके वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1866 वॉज द वर्क was the time when the work of the Gregor John Mendel was published. ओके उन्होंने हमें ऑलरेडी ये बता चुका था 1866 में कि देर इज अ सब्सटेंस देर इज अ फिजिकल सब्सटेंस विच गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर ओके एक सेल से दूसरे सेल में स्पेशली अगर हम बात करें फ्रॉम द पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल एक फिजिकल सब्सटेंस होता है जो कि ट्रांसफर होता है ओके एंड विच इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी Okay, this was already given by the scientist Mendel in 1866 and he called them as factor. Unhone us physical substance ko naam diya factor. Okay, after 1866 there was still a what we can say a confusion was going on. ओके कि वो फिजिकल सब्सटेंस क्या है देन हमें ध्यान रखना है हम देखेंगे अबाउट द फर्स्ट डिस्कवरी दैट इज 1869 में सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी सॉरी न्यूक्लियन के बारे में इंफॉर्मेशन दी दैट न्यूक्लियन इज अ मटेरियल जिसे हम आज डीएनए कहते हैं ओके देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कई सारे डिस्कवरीज हुई एंड इन डिस्कवरीज के दौरान हमें ये पता चला कि न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द कैरेक्टर्स न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है धीरे धीरे हम देखेंगे आगे हमें जाके ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स रहते हैं ओके और साथ ही साथ वहां पे डीएनए भी रहता है ओके नाउ टिल 1828 से पहले या 1828 तक हमें ये कंफ्यूजन रहा कि वेदर दिस प्रोटीन हिस्टोन्स या तो द डीएनए विच ओ आइदर सॉरी आइदर ऑफ देम विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल ओके एंड देयर वर मेनी साइंटिस्ट हु वर फेवरिंग दिस फैक्ट दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल व्हाई देयर वर सम थ्री रीजन मेन्स There were main three reasons. The first one was because till 1828, much more was known about the chemistry of the protein rather than the chemistry of the nucleic acid. Okay. The second one sir, was the diversity of the proteins. Proteins they have a huge diversity. There are various type of proteins which are present inside the cell. And apart from then, the abundance of the protein. Protein itne saare hai, okay? So, ye consider kiya ja raha tha. And some scientists were even accepting this fact that the protein is the genetic material. Okay, but in 1828 there was an important experiment conducted by Griffith जिन्होंने ये बताया कि कुछ एक मॉलिक्यूल है एक सब्सटेंस ऐसा है जो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है ओके एंड दिस लेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1944 परफॉर्म बाय एवरी मैक्लॉड एंड मैक्राटे जिन्होंने ये बताया कि ये जो सब्सटेंस जो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है जिसे ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था वो और कुछ नहीं बस हमारा डीएनए है
ठीक है, एंड देन अगेन वी गॉट अ प्रूफ ऑफ दिस बाय द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन 1952, ओके, एंड टिल 1953 साइंटिस्ट वर एबल टू क्रैक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटीरियल्स, ओके, दिस इज गिवन इन द बुक ऑफ द जेनेटिक्स बुक्स रिटन बाय टैमरिन, ये मैंने वहां से एक नोट लिया है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड लिटिल बिट ऑफ दीज डिस्कवरीज इन लिटिल बिट डिटेल, ओके, चलिए, सबसे पहले तो वी विल स्टार्ट विद द अर्ली स्टडी विच वॉज परफॉर्म्ड ऑन द डीएनए इन 1869 बाय जॉन फेडरिक मिशर, ठीक है, इसका इनका नाम हम याद रखेंगे, ओके, जॉन फेडरिक मिशर का हम नाम याद रखेंगे, इन्होंने सबसे पहले डीएनए की स्टडी की, ओके, सी एक्चुअली ही वॉज अ स्विस केमिस्ट, ठीक है, वो एक केमिस्ट थे, ओके, एंड ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस अपने अंकल से जो ऑलरेडी एक साइंटिस्ट थे, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ओके, सो व्हाट ही डिड, ही परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पस, ओके, यू नो व्हाट इज पस, पस क्या है, पस एक तरह का अगर हमने देखा होगा जब भी हमें कोई वूंड हो जाता है, व्हेनेवर वी गेट इन्फेक्टेड वी गेट अ वूंड, सो अ वेरी येलोइश और व्हाइटिश लिक्विड इज बीइंग being coming out from that wound, so that particular substance is called pus, okay, what does this pus contain, it has some dead organisms, that is the pathogen, and the another one, it contains some white blood cells, okay, and white blood cells with a large nuclei, okay, jinke nucleus kafi bade bade rehte hain, so what he did, he performed some experiments on this nuclei, and he isolated these nuclei, unhone un nuclei ko isolate kiya, ओके, अब सी बिकॉज ही कुड नॉट गेट द मोर अमाउंट ऑफ पस, तो उनके पास ज्यादा उसका जो न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने आइसोलेट किया, उसकी केमिस्ट्री वगैरह जानने का इनके पास टाइम नहीं था, और वी कैन से इनके पास सोर्सेज नहीं थे, ओके, सो व्हाट ही डिड, ही जस्ट फाउंड आउट दैट कि द न्यूक्लियस कंटेन अ नोवल सब्सटेंस, न्यूक्लियस के अंदर एक नोवल सब्सटेंस प्रेजेंट है विच इज slightly acidic and high in phosphorus, ठीक है, जिसमें phosphorus का content ज्यादा है और वो थोड़ा सा acidic है, okay, and he termed that substance as nuclein, और इन्होंने उस substance को क्या कहा, nuclein नाम दिया, ठीक है, जो आज हम जानते हैं what is that substance, that consists of DNA and the protein, okay, today we know that nuclein is the DNA wrapped around the proteins, okay, so this was the first experiment or we can say first study which was done on the DNA by Friedrich Mischer, and he studied on pus cells and he named the material, the material which is present inside the nucleus as nuclein, okay, later on this nuclein was renamed as nucleic acid by one of his student, okay, later on unke kuch students ne iska naam nucleic acid rakha, okay, so this was a first study and we need to remember that. What happened later in 1928, okay, 1928 mein Friedrich Griffith उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट. सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, व्हाट ही डिड, ही ऑब्जर्व द फेनोमेना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ओके, एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना इज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड दिस इज नॉट सेम एज, दिस इज नॉट दिस, दीज टू सेल्स आर नॉट द पेरेंट एंड द डॉटर सेल नहीं है, ओके, दिस इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी पहले अबाउट द वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, ओके, फ्रॉम व्हेन द डीएनए फ्रॉम वन फुली ग्रोन इंडिविजुअल सेल इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द अनदर फुली ग्रोन इंडिविजुअल सेल, ओके, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड व्हाट ग्रिफिथ डिड, ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड ही केम टू नो अबाउट दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, सो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, लेट अस सी, his experimental organism was a bacterium which causes pneumonia,
ठीक है, जो निमोनिया का कॉजिंग एजेंट है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ओवर दैट बैक्टीरिया. ओके, सी निमोनिया जनरली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए हैज फोर स्ट्रेन्स, वी कैन से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड सो फोर्थ. ओके, इट हैव मल्टीपल स्ट्रेन्स. नाउ इन ईच टाइप देर आर टू स्ट्रेन्स, हर एक टाइप में दो स्ट्रेन है. One is the virulent strain, that is the disease-causing strain, and the another one is non-virulent strain. Non-virulent strain means the strain which does not cause disease. Okay, now see, I have some diagrams for you. This is the virulent strain and this is the non-virulent strain. Okay, this can also be called as a pathogenic strain and this non-pathogenic or non-virulent strain. Okay, so in the virulent strain, which is the disease causing type, what is there? There is a coating here. This is a polysaccharide coat is here. Okay, yahan pe ek polysaccharide coat hai, capsule hai. Okay, and because of this capsule, the bacteria appears to be smooth. That's why it is also said that this one is the S type. S here stands for smooth type. Okay, so this particular bacteria has a capsule of a polysaccharide coat, and this polysaccharide coat is the one which is causing the disease. Okay, ये जो polysaccharide coat है यही disease cause कर रही है, and because of this coat the bacteria appears to be very much smooth, इसीलिए उसे smooth type कहते हैं, and इसका दूसरा नाम क्या है, pathogenic or virulent type. I'll write V here, okay, or virulent type. Okay, the another type in each strain, we have two types, right? One is the smooth type and the another one is non-virulent type. Why it is non-virulent? Because it does not have a polysaccharide coat. Okay, iske upar polysaccharide coat nahi hai, which is the cause of the disease. Okay, so this is, there is no coat over here, and as a result this bacterial colony appears rough. ओके, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसी लगेगी, रफ दिखेगी आपको, एंड दिस वन विल बी स्मूथ. ओके, सो बिकॉज इट विल बी रफ, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आर टाइप और आर सेल. ओके, एंड बिकॉज देर इज नो कोट हियर, सो इट इज नोन एज नॉन पैथोजेनिक, और वी कैन से इट इज नॉन विरुलेंट. ओके, आई विल राइट एन वी हियर. सो ईच ऑफ द टाइप हैज टू स्ट्रेन, द एस टाइप एंड द आर टाइप. एस टाइप इज स्मूथ टाइप एंड कॉजेज द डिसीज, आर टाइप इज नॉन विरुलेंट एंड इट इज अ रफ टाइप. सो व्हाट ही डिड इन हिज एक्सपेरिमेंट हियर, ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट इन फोर केसेस, आई विल से फोर स्टेजेस. ओके, सो व्हाट ही डिड इन केस नंबर वन, ही टुक अ हेल्दी माइस, ओके, एंड ही इन्फेक्टेड दैट माइस विद द एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. Okay, and after some time he noticed, after the incubation period, he saw that the S strain bacteria, because S is the virulent strain, it causes pneumonia in the mice and ultimately the mice died. And from the blood of the dead mice, the S strain bacteria were recovered. ओके, उन्होंने एक माइस लिया, माइस के अंदर उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया डाल दिया, कुछ दिनों बाद उस बैक्टीरिया को निमोनिया हो गया एंड द माइस डाइड. ओके, लेटर ऑन उस बैक्टीरिया का ब्लड सैंपल, उस माइस का ब्लड सैंपल जब उन्होंने चेक किया तो ही फाउंड लिविंग एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया. दिस वॉज अ केस नंबर वन. सो व्हाट ही डिड इन केस नंबर टू, ही अगेन टुक अ हेल्दी माइस एंड ही इन्फेक्टेड द हेल्दी माइस विद आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हियर. ओके, विद आर स्ट्रेन, एंड रिमेंबर आर स्ट्रेन वॉर, आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट टाइप. ओके, दिस आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट टाइप. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑल्सो, द माइस वॉज हेल्दी, द माइस लिव्ड. And when he collected the blood sample of that mice and checked for the bacteria, he saw that the R strain bacteria was still there in the blood of the mice. But because it was non-pathogenic, the mice did not got pneumonia and he survived.
ओके लेटर व्हाट ही डिड इन केस नंबर थ्री, ही अगेन टुक अ हेल्दी माइस ओके एंड ही नाउ इंजेक्टेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. दैट मीन्स ही फर्स्ट किल्ड द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बाय हीट, हीट से उसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को किल किया एंड आफ्टर दैट ही इन्फेक्टेड द हेल्दी माइस विद दिस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. ओके एंड ही वेटेड फॉर द इंक्यूबेशन पीरियड एंड आफ्टर देन ही सॉ दैट द माइस लिव्ड. Okay, mice lived and when he did the blood checkup, then he found that the mice was not having any S strain type of bacteria. Okay, this was the case number three. Now, finally, in case number four, what he did, he took a healthy mice again and then he infected the mice with small amount of living R strain plus he also infected or injected some heat killed S strain bacteria. You getting my point? What he did in case number four, he took a mice, he infected the mice with R strain living bacteria, okay? Plus he also infected or also injected the heat killed S strain bacteria into the mice. Okay, now after the incubation period, that is after the 5 days, he saw that the mice became infected with pneumonia and he died. Okay, but this should not be the case now because he was infected with R strain bacteria, which is non-pathogenic, and then he was infected with the heat killed S strain bacteria. Okay, because now the S strain is died, so the mice should be alive, but the mice died. Okay, and when he did the blood check the blood sample of that dead mice, he found living S strain bacteria in the blood of that dead mice in case number four. Okay, so plus when he also found that these bacteria retain their S type character through several generations. Okay, means when this live S strain bacteria which were recovered from the dead mice in of the case number 4, when they were allowed to grow, jab unko grow karne ke liye allow kiya gaya, it was found, okay, ki those big the daughter cell of that S strain bacteria were also living and they were having the virulence character. Wo tabhi bhi unke andar virulence character tha. Okay, so this was the experiment. Now let's see the diagram. Okay, here is a diagram. Here you can see case number one, mice S type cell injected, virulence type mice died and S type was recovered. Second case you can see mice R type bacteria was injected, non virulence hai, so no change, mice was living in. Okay, then in the third case heat killed us S type, okay, and then you can see no change, mice is living. But what happened in the fourth case, mice he injected R type bacteria plus he also injected heat killed bacteria, the mice died and living S strain were living S strain of bacteria were seen in the blood sample. Okay, so let us see what was the inference and what was. Okay, so next we will see the conclusion of the experiment. Okay, so what happened in case number 4, that somehow the R strain bacteria, which was actually non-pathogenic, it got transformed into the pathogenic S type strain. Okay, the R strain, the non-pathogenic bacteria, somehow got transformed into the S type of strain and which killed the bacteria. Okay, and because of this transformation or because of this transforming, what happened, the genetic virulence, or we can say the virulence, the pathogenic power of S strain bacteria, okay, which was actually present in the dead S type bacteria, also got transferred to the R strain bacteria. Getting my point, is somehow the R strain get transferred, or we can say get transformed into the S strain, plus the R strain also attains the genetic virulence power of the S strain. Okay, plus that change was a permanent change. Why? Because we saw in the fourth case, when the living S strain bacteria were allowed to grow, their progeny was also causing the virulence. They were also having the virulence. So that change in the R strain was actually the
we can say the permanent change. ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पे कि somehow किसी तरीके से जो R strain बैक्टीरिया था, जो कि क्या था, non pathogenic था, किसी तो तरीके से that pathogenic bacteria got converted into that non pathogenic bacteria got converted into the S strain. ओके, जो कि एक पैथोजेनिक है, प्लस अब जो एस स्ट्रेन में, जो आर एस में कन्वर्ट हो चुका है, वो एस के अंदर पावर आ गई है कि वो पैथोजन की तरह काम कर सकता है, प्लस उसका जो विरुलेंस पावर है, ये जो डिसीज कॉज करने की पावर है, दैट इज ऑल्सो बींग ट्रांसमिटेड टू इट्स फर्दर जनरेशन. दैट मीन्स वो पावर जो उसके अंदर आ गई है, जो विरुलेंस उसके अंदर आ गया है, दैट इज अ परमानेंट चेंज. ओके, सो वॉट एग्जैक्टली ही understood with this experiment is that there is something in the heat killed S bacteria. Okay, heat killed S bacteria ke andar kuch to aisi cheez thi which got transformed the R strain into S strain. Theek hai, heat killed S strain ke andar kuch aisi cheez thi jisne kya kiya ki wo cheez, jo bhi physical cheez thi, wo nikal ke gayi aur R strain bacteria ke andar chali gayi. Okay, and then he converted that particular strain, that particular thing, that physical thing, converted the R strain bacteria into the S strain bacteria. Okay, or this is called the transformation. Ye process kya hai? Transforming is, this is the process, transfer of the genetic material from one living cell, from one cell to the another cell. What is this? This is the transformation, and the material which is causing that transformation, he called that substance to be the transforming principle. Okay, so till with this experiment hame ye pata chal gaya ki the bacteria also contains some material which can be transferred from one cell to another. Okay, and it also gave us the possibility that when we are heat killing a cell, uska jo genetic component hai, that doesn't get destroyed, it remain undamaged. That is why heat killed S bacteria mein kya hua tha, the genetic material was not destroyed and that genetic material was still present there. Okay, that's is why that genetic material, when it got transferred into the R strain, that genetic material converted the R strain into the S strain. Okay, us R strain ne, us genetic material ne R strain ko S strain mein convert kar diya, aur jo hamara non pathogenic hona chahiye tha bacteria, wo kisme badal gaya, पैथोजेनिक में बदल गया. ठीक है, और इसमें ये भी हमें एक और कंक्लूजन हमें मिला इससे, दैट द कंपोनेंट कैन पास थ्रू द सेल वॉल, कि ये जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे सेल के सेल वॉल के थ्रू पास कर सकता है. ओके, एंड अंडरगो सब्सिक्वेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विद अ रेसिपिएंट जेनेटिक अपैरेटस. ओके, दैट मींस जिस भी सेल के, जो आर स्ट्रेन के अंदर ये जो एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल गया, उसने आर स्ट्रेन के अंदर जाके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किया, एंड एज अ रिजल्ट द आर स्ट्रेन गॉट कन्वर्टेड इनटू द पैथोजेनिक एस स्ट्रेन. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इतना तो क्लियर हो गया कि देयर इज अ मटेरियल व्हिच इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म वन सेल टू another cell, and he called that material, the Griffith called that material as the transforming principle. Okay, so in the next video we will try to understand the nature of this transforming material, ki whether it is RNA, whether it is DNA, whether it is protein, that we will see. Okay, so if you like this video, please hit the like button and do subscribe the channel. Okay, thank you everyone.